6:30 बज जाता है तो आज सुबह उठ गए थे 5:30 बजे मस्त एकदम रीजनिंग वगैरह पढ़ लिए, थोड़ा मजा आ गया पढ़ के। और अभी अब चाहिए चाय, चाय चाहिए थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट, तो फटाक से जाते हैं अंकित के रूम। बैग बैग ये कुछ पैसेज और सुबह सुबह वो कैब भी पढ़ लेते हैं, ठीक रहेगा। हाँ वो कैब ले लेते हैं। और एक सीट दिया गया था क्लास से मेरे को, हाँ वो सीट ले लेते हैं। उसमें क्रिटिकल रीडिंग है कि पैसेज के, मतलब ऐसा नहीं कि बस एक टाइप का एक पैसेज है तो उसमें एक ही स्टोरी रहेगा, तो उसमें कुछ बहुत सारे टॉपिक्स हो जाते हैं, आर्ट साइंस कल्चर ऐसे पॉलिटी वगैरह करके, तो वो कर लेते हैं सुबह सुबह। और एक चीज़ हाँ इम्पोर्टेंट, और जैसे एक सबसे क्या बोले ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कहीं भी कैट क्या कहीं भी, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो उस पर मेरे को वहाँ से ये सीट दिया गया है। इस सीट में टोटल 50 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये सीट भी शेयर कर देंगे आप लोग के साथ इस वाले ब्लॉग में ही, अगले वाले ब्लॉग में। चलिए मिलते हैं अंकित के रूम पे। तो जैसा बता रहे थे स्टार्टिंग में, आज ग्रामर का क्लास था, मतलब इंग्लिश का क्लास था, तो उसमें आज क्रिटिकल रीडिंग पढ़े। क्रिटिकल रीडिंग बोलते हैं कि जैसे जो भी पैसेज होता है, जो भी आर्टिकल हुआ उसमें, तो एक होता है कि सिर्फ एक स्टोरी दे दिया वो पैसेज में हो गया, तो वो प्लेन पैसेज उसको बोलते हैं। बट क्रिटिकल रीडिंग बोलते हैं जिसमें एक ही पैसेज में अलग अलग टॉपिक रहेगा, उसमें इकोनॉमी भी साथ में, पॉलिटी भी, थोड़ा साइंस फैक्ट, थोड़ा फिलॉसफी, ऐसे मिक्सचर ऑफ क्या बोलते हैं टॉपिक्स का, मिक्सचर ऑफ, हाँ ऐसा ही मिक्सचर ऑफ टॉपिक्स का सारा रहता है एक पैसेज में। बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे फैक्चुअल हो गए, मतलब फैक्ट्स वाले हो गए, और साथ में जैसा बताए फिलॉसफी हो गया, साइंस हो गया, ये इस तरह का इकोनॉमी हो गया, कुछ भी ऐसा चार पांच टॉपिक मिक्स करके एक एक पैसेज क्रिएट होता है, तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल रीडिंग। तो इससे क्या होता है कि बस एक टाइप का प्लेन पैसेज बनाने का आदत नहीं होता है, उससे पैसेज का जो भी है कॉम्प्रिहेंशन, ये पैसेज जो भी बोले, उससे एक्चुअल टोन पता चल जाता है कि किस किस तरह का टोन है, क्या कहना चाहता है, क्या नहीं है, तो सारे जो ऑप्शंस रहते हैं, आंसर जो रहते हैं सारे, तो वो डिसाइड हो जाता है आराम से कि ये किसका है, ये किस टॉपिक का है। तो ये ज़्यादा होता है, ऐसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं पूछता है कैट में, बट कॉम्प्लेक्स तो ऑफकोर्स पूछता है, बट इतना ज़्यादा मिक्स करके नहीं पूछता, एक दो टॉपिक मिक्स करके पूछता है। तो चलिए आगे और भी अगर कुछ ऐसा पता चलता है तो आपको वीडियो में बताते हैं। वाह पढ़ रहा है आज, क्या कितना फरवरी है, 10 फरवरी, आज कौन सा डे है, शनिवार तो हम लोग के लिए ना है, आज क्या है फरवरी वाला, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हम, लो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए, लो जाओ खुश रहो। लड़का में अच्छा आदत है, जब जब सुबह सुबह आते हैं पूरा एकदम नहा के रेडी रहता है, सही है। मेरे रूम में तो क्या बताए तुमको दोस्त, कोई बात नहीं, चाय पियोगे ब्रेड से कोगे, चलिए वही डेली रूटीन, चाय ब्रेड, फिर अपना ये इधर डिपार्टमेंट बचा हुआ है इसको क्लियर करना है, कर लेते हैं फिर। हाँ अरे चाय बना लेते ना फिर साथ में, बर्तन धो देंगे। ब्रेड ना सिकना है, ठीक है, इसको क्या है, जल गया, ज्यादा हीट हो गया था। ओ ज्यादा हीट हो गया, हीट कंट्रोल करो थोड़ा तुम ब्रेड का, बनाओ भूख लग गया तो उस बनाओ। हमारा ये दूसरा पीनट बटर का क्या बोले ओपनिंग है, बट क्या करिए ओपन ही नहीं हो रहा है, चाकू क्या कर रहा है, अभी से वाह दोस्त वाह, अनबॉक्सिंग चाकू से हुआ है क्योंकि हाथ से नहीं उठा था, कोई बात नहीं, स्मेल अच्छा करता है पीनट बटर का, स्मेल सही होता है एकदम क्रंची क्रंची, लगा दोस्त चाय बनाते हैं। तो अपना चाय ब्रेड सब हो चुका है, बर्तन भी अपना धुल गया है, बैक टू स्टडी, लड़का वापस फिर गया, हमको भी भिड़ना पड़ेगा, देख के थोड़ा और कंपटीशन वाला फील आ जाता है, तो चलिए फिर पढ़ते हैं, तो ज़्यादा नहीं एक दो घंटा पढ़, एक डेढ़ घंटा पढ़ पाएंगे। चलिए अब मिलते हैं अपने रूम पे आपसे थोड़ी देर बाद।
तो अभी अपना पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा हो गया और बैक टू अपना डेली रूटीन। शर्म आया रे, छिला दिया आया दिया आपको पहले कमीना होता है खा रहा है। शर्म ने आया जरा सा कि बगल में बैठा हुआ है दे दे, अब हिसाब में मेरा भी जोड़ा है साला, काट दोगे मेरे हिसाब से। आज हम लोग शनिवार है, बना रहे खिचड़ी एकदम एक नंबर। खाना वाना बनाते हैं फिर और भी थोड़ा काम में मिलते हैं आगे आपसे। तुम्हारे बारे में भी क्वेरी आया था कि तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो बताओ। बैंक का तैयारी, क्या करना है बैंक में? बैंक में पीओ बनना है। अरे वो तैयारी कैसे करना ही बताओ। तैयारी तो वो तीन सब्जेक्ट होता है बेसिकली, इसमें चार सब्जेक्ट का पेपर होता है। यहाँ कैमरा है देख के बोलो ना, ठीक है? तो मैं चौथा सब्जेक्ट जो होता है सिर्फ जीए होता है, जनरल अवेयरनेस बैंकिंग अवेयरनेस कम्बाइन पेपर होता है इसका, तो मेंस में पूछा जाता है। बिल के लिए तीन पेपर ही होता है, तीन सब्जेक्ट का, रीजनिंग मैथ्स और इंग्लिश। ये तो चलो हो गया सिलेबस, अब पढ़ना कैसे? तुम अपना बता, तुम कैसे पढ़ते हो, मतलब क्लास छोड़ के या फिर अपना सेल्फ स्टडी कैसे करते हो? मतलब मेरा तो हो गया तैयारी के, दो अटेम्प्ट हो चुका है मेरा, और अब मेरा बेसिकली कि मेंस पे ज़्यादा फोकस है, प्री हो ही जा रहा है। मतलब तो कैसे पढ़े तुम, प्री के लिए कैसे पढ़े? प्री के लिए पर मतलब भी ऐसे कि पहले तो बेसिक्स तो अपना खत्म करना होगा, सिलेबस खत्म कर दो, उसके बाद प्रैक्टिस इसका मेन बहुत बड़ा रीजन, क्योंकि प्री पूरा बेस करता है तुम्हारा स्पीड पे। कितना घंटा पढ़ते थे प्री के लिए, मतलब बेसिक कंप्लीट करने के लिए प्री का? प्री के लिए जैसे अगर चाहोगे, अगर हमको तो ऐसा कोई गाइडेंस नहीं था, बाद में फिर बहुत जगह फिल्टर कर करके फिर टीचर को, मतलब ऐसा सब टीचर तो ठीक ही पढ़ाता है, बट तुम किससे कनेक्ट कर पा रहे हो ये बहुत मैटर करता है। उसके बाद तुम एक टीचर को सेलेक्ट किए, फिर हाँ इसके अकॉर्डिंग पढ़े। और जैसे रीजनिंग है बैंकिंग के, रीजनिंग में पजल मतलब एक मेजर पोर्शन है पजल का, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, तो वहाँ पे भी पजल पे ज़्यादा फोकस करना होता है। इधर क्वांट में तुमको डीआई मेजर पोर्शन है इसमें, और वन लाइनर्स होता है जैसे राउंड नंबर सिंप्लीफिकेशन, ये सब भी होता है। इंग्लिश तुम्हें, इंग्लिश थोड़ा सा है कि इंग्लिश रीडिंग बेस इंग्लिश आता है, बैंकिंग में ग्रामर बेस इंग्लिश का पोर्शन प्री में 4-5 नंबर का आ गया तो आ गया, वरना मेंस में तो वो भी नहीं आता है। तो सपोज इसमें रीडिंग बेस इंग्लिश आना होगा, तो मैं कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए। सपोज अगर किसी का बेसिक खराब है तो सबसे पहले वो किस सब्जेक्ट पे अपना बेस तगड़ा लग रहा है कि? बेसिक तो तुमको सब, जैसे रीजनिंग कोई नया स्टार्ट करने आएगा तैयारी, तो रीजनिंग तो सबके लिए नया ही है। अब मैथ्स का क्या सीन है, इसमें कैसा मैथ रहता है? क्वांट अच्छा ही रहता है, और मेंस में तो अगर पीओ मेंस का बात करें तो एक अच्छा हाई लेवल मैथ आता है, कैट के लेवल का ही मैथ आता है इसमें भी। तो सपोज कोई अगर कैट का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसका ऑलमोस्ट मतलब 70-80% बैंक का प्रिपरेशन हो चुका होता है, यही ना? हाँ, लगभग जैसे क्वांट में हो चुका होता है, इंग्लिश में भी हो चुका है, रीजनिंग में थोड़ा बहुत जैसे क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह दोनों करना होता है, इसमें भी है, मेंस के पोर्शन में इसमें भी आता है। स्पीड थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, चूंकि कैट के पेपर में ना वो दे देता है, उसमें कैलकुलेटर दे देता है, और इसमें बैंकिंग में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, खुद से करना है। टाइम कम होता है, 2 घंटे का पेपर होता है कैट का, बैंक 1 घंटे का होता है, कट ऑफ डिपेंड करता है उसमें कि तुमको परसेंटाइल लाना है, क्योंकि और समझना भी पड़ेगा ना, एक तुम्हारा जॉब देगा, एक तुम्हारे एडमिशन के लिए है, तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी लेवल हो ही जाता है दूसरे से। और कैट भी कहीं ना कहीं एक तो बहुत बड़ा एग्जाम है, ये भी बैंकिंग के लिए भी आज के समय बहुत एक्सपेरियंट है यार, बैंक में भी बहुत ज़्यादा हो गया है, और तैयारी करने वाले लोग का कमी नहीं है, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। बात तो एक्सपेरियंट लोगों का क्या बोलते हैं, एक्सपेरियंट लोगों का कमी नहीं है। चलो ठीक है, धन्यवाद तुम हमारे ब्लॉग में इतने टाइम का ये दिए। चलो मटर छिलो, अभी मस्त वाला खिचड़ी चोखा और पापड़ खा ली, क्योंकि आज सैटरडे था, और खाने के साथ इसको इस महानुभाव अभी निपट गया। अभी 10 मिनट पहले बोल रहा था कि आज नहीं सोएंगे, आज जल्दी लाइब्रेरी जाएंगे। आधा घंटा मतलब अभी 2:30 बज रहा है, आधा घंटा मतलब 4 बजे जाएगा, कन्फर्म 4 बजे जाएगा। अच्छा, चलो मेरा भी क्लास का टाइम हो गया, अभी हम निकलते हैं। तो अभी हो गया रेडी क्लास जाने के लिए, लॉन्चर बताए थे प्रोजेक्शन होते हुए फिर डाक बंगला साइड जाना है, तो चलिए अगर क्लास का हो पाया पॉसिबल तो दिखा देंगे कि क्लास में क्या सीन होता है, बट शायद नहीं अलाउड ही होगा, बाकी नहीं तो फिर सामने मिलता है आपसे। वापस से सीढ़ी, हर बार सीढ़ी चढ़ना पड़ता है जब जब भी सीन आते हैं।
बट क्या करें, सीढ़ी से चढ़ना पड़ेगा, चाहे रूम का हो चाहे सक्सेस का हो। क्या लाइक हाँ, तो भी वापस से आ गए अंकेश के रूम पे। इतना सारा सामान भी लेके आए क्योंकि सामान तो जरूरी है। उसके बाद फिर अब थोड़ा सा चाय पीते हैं, कुछ खाते हैं, चाय ब्रेड बिस्किट वगैरह, फिर बैक टू स्टडी। फिर मिलते हैं वापस अपने रूम में। तो वापस आ गए क्लास से अपने रूम, मतलब अंकेश के आ गए, फिर चाय पी, फिर वापस। तो अब अभी 7 बज रहा है, फिर 7 से ऑलमोस्ट 8:45 तक पढ़ सकते क्योंकि फिर वापस रूम जाना है खाना बनाने के लिए। तो चलिए बैक टू स्टडी। और वहाँ से क्लास से पढ़ के आए थे हम वो रीजनिंग, सॉरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन, तो वो उसका प्रैक्टिस बाद में करेंगे। तो अभी पढ़ रहे हैं वापस से परसेंटेज, मतलब पॉइंट में आता है तो परसेंटेज क्लियर करते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे वापस से। तो क्वांट्स के में परसेंटेज में कुछ टॉपिक्स हो गए खत्म। टॉपिक्स मतलब कुछ क्वेश्चंस वगैरह थे, बट भाई बस नाम ही परसेंटेज हिला के रख दे रहा है। कुछ कुछ सिंपल से चीज नहीं बन रहे, बाकी कुछ कुछ तो लग रहा है कि इतना हार्ड क्वेश्चन है सिंपल से ट्रिक्स में बन जा रहा है। तो अब 8:30 बज गया, अब तो बाकी खाना खा के आएंगे उसके बाद। तो अब जा रहे हैं अंकेश के रूम पे, थोड़ी देर वहाँ पे लगेगा, 10 बजे तक वापस आएंगे। फिर 10 बजे के बाद फिर 10:30 बजे से वापस बैठना होगा। फिर कल संडे है तो कल आराम से उठेंगे, तो कल आज रात तक पूरा पढ़ाई चलने वाला है। जैसा आप बताए थे, आ गए वापस से अंकेश के रूप, और आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं। क्या बना रहे हैं हम लोग? सत्तू पराठा और खीर तो बना लिए। अबे सत्तू पराठा और खीर बनने वाला, खीर तो बन गया। तो पहला पराठा तो ऐसा बना है, पता नहीं कैसा है। मम्मी देख लो, आंटी आप भी देख लीजिए। तो अभी फर्स्ट टाइम खा ही लेंगे, ठीक ही बनेगा। देखते हैं आगे कहाँ तक बनता है, उसके बाद फिर तो वापस बैक टू रूम। वही कल संडे है तो लेट नाइट तक जगना पड़ेगा। तो भी आगे अब बनाते हैं तो लेट हो जाएगा, फिर गाली भी देगा हमको बाद में। तो जैसा बताए थे आपको, आज हम लोग बना रहे हैं सत्तू पराठा और खीर। ये मस्त वाला खीर बन गया है, और एकदम ये एकदम पराठा तगड़ा वाला बन गया। कैट के साथ साथ खाना पीना का भी प्रिपरेशन कब हो जाता है हम लोग का, कोई खाना भी जरूरी है और अच्छा ही खा लेते हैं। चलिए अब खा के मिलते हैं। तो अभी खा पी के आ गए हैं वापस अपने रूम, और अभी फिर 5-10 मिनट रुकेंगे फिर वापस, क्योंकि कल संडे है। कल मस्त एकदम आराम से 8-9 बजे उठेंगे, लेकिन आज लेट नाइट पढ़ाई करना है, कुछ कुछ टॉपिक कवर करना है। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल, टाटा बाय।